अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2017 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए उस एक पहलू को काफ़ी विस्तार ढंग से उन्होंने सदन के समक्ष उल्लेख किया है कि ये अवसर इसलिए हम दे रहे हैं कि आज भी उस देश के तमाम एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए या बुनियादी ढांचा में जो बुनियादी शिक्षा का योगदान है, उन प्राइमरी स्कूल्स में आज भी जो अप्रशिक्षित या अनट्रेंड टीचर्स हैं उनको ट्रेंड करने का अवसर, जो पहले हम 2009 में जब हमने आरटी एक्ट पास किया था और उस समय 31 मार्च 2015 तक का वक्त दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी 2010 से 2014 में 13 ऐसे राज्य थे जिन राज्यों ने इसका एग्जम्पशन ले लिया और उसके बाद फिर 3 राज्यों ने पुनः एग्जम्पशन ले लिया, और तमाम उन विद्यालयों में कोशिश के बावजूद भी वो टीचर्स ट्रेन नहीं हो पाए। तो क्या हम आज भी इस देश में, जहां हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में अपने इस युवा पीढ़ी को, बच्चे को, एक भारत का, दुनिया का, एक भविष्य का हम बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको अगर हम एक्सेलेंस या ट्रेन टीचर से एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे तो शायद हम न्याय नहीं करेंगे। और इसी दृष्टिकोण से थॉमस साहब ने भी समर्थन किया, संपूर्ण सदन समर्थन करेगा कि आज इसकी स्थिति है। उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं जो कि कोई राजनीतिक विषय नहीं, उन्होंने भी जो उनकी चिंता है, सरकार की चिंता है, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी भी गांव के स्कूलों में बुनियादी ढांचे में कमी है, गांव के स्कूलों में उन बच्चों के भविष्य के लिए, और उन्होंने कहा शहरों में स्कूलों में उन बच्चों के भविष्य और उसकी फीस अधिक ली जाती है, तो आखिर उसी की चिंता है कि जिसके लिए माननीय मंत्री जी संशोधन विधेयक को लेकर के आए, उसी की चिंता है कि आज भारत में दो भारत न बने, कि एक ग्रामीण भारत में ऐसा विद्यार्थी बने जो अभावग्रस्त से या उन विद्यालयों से निकले कि जिसके पास वो तमाम ऐसी चीज़ों की जानकारियाँ या उनको जो पढ़ाई या शिक्षा का ज्ञान हो, और एक तरफ जो शहर के उन CBSE या ICSE स्कूलों के बच्चे निकले, तो उसमें एक विसंगतियाँ हो, एक विषमताएँ हो। मैं समझता हूँ कि इसी नाते हमारी सरकार आने के बाद माननीय मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने एक नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति को भी लागू करने के लिए उन्होंने प्रचलित किया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं, और आज इस संशोधन में भी उनकी मंशा है कि किस तरह से हम एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करें। आज क्या है मान्यवर, हम उन बातों को उठाएंगे कि आज राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद भी जैसा थॉमस जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो लागू नहीं हो पाया या इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या में कहीं डिक्लाइन कर रहा है या ड्रॉप आउट की संख्या है, वो एक अलग है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रयास मानव संसाधन मंत्री जी के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा हो रहा है कि अभी तक जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था या आरटी एक्ट था, इस आरटी एक्ट में अभी तक कोई बच्चों के लिए कोई लर्निंग आउटकम की व्यवस्था नहीं थी। आज मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि इन्होंने इस आरटी एक्ट के जो रूल्स हैं उसमें अडाप्ट कराया है कि अब देश के सभी राज्यों को सर्कुलर इशू किया है कि अब हर राज्यों के प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसके लर्निंग आउटकम के भी असेसमेंट की व्यवस्था की जाए। आखिर क्या है जो सरकार तमाम प्राइवेट स्कूल्स में फीस लेते हैं, अधिक फीस लेते हैं, इसकी शिकायत होती है, आखिर उनको क्या फ़र्क लगता है कि अधिक फीस देने के बाद एक अभिभावक या गार्जियन उसी स्कूल में बच्चों को भेजता है, उसको लगता है कि हमने अपने बच्चे को भेजा है तो उसकी क्या पढ़ाई हो रही है, उसका क्या लर्निंग आउटकम है, उसका फीडबैक हमको मिलेगा, जो शायद आज बेसिक प्राइमरी स्कूल्स में, अपर प्राइमरी स्कूल्स में शायद हमारे अभिभावकों को नहीं मिलना। और ना गाँव के अभिभावकों की चिंता है, वो तो ये समझते कि हमने अपने बच्चों का दाखिला करा दिया, शायद घर के से अच्छा उनको मिड डे मील मिल जाएगा, शायद उनको उस भविष्य की, उस बच्चे की चिंता नहीं, जो चिंता आज भारत सरकार कर रही है कि आज अगर किसी गाँव के गरीब घर के परिवार के भी बच्चे को किसी रिक्शा वाले, किसी मजदूर, या चाहे खेतिहर मजदूर हो या मनरेगा का मजदूर हो, अगर उसका भी बच्चा है, उसको इतना चिंता ना होने के इसके बावजूद इस केंद्र सरकार की ये चिंता होगी कि अगर वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो उस बच्चे की क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्या उसकी प्रगति है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है, उसको उस पर जानकारी की जाए।
और इतना नहीं है, मैं इसी बात की भी बधाई उनको दूंगा कि कम से कम इस लर्निंग आउटकम के लिए उन्होंने सभी स्कूलों में एक नेशनल असेसमेंट सर्वे की स्कीम शुरू की है, और जो देश के सभी राज्यों में जो स्कूल्स हैं उसके प्राइमरी स्कूल हो या अपर प्राइमरी स्कूल हो, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 के लगभग 30 लाख सैंपल लिए जाएंगे सैंपल बेस पे, कि जिससे कि उसमें सर्वे हो सके उस असेसमेंट का, और उससे कम से कम पेरेंट्स को फीडबैक दिया जा सके, या बच्चा स्कूल आया कि नहीं आया, बच्चा स्कूल के नाम पे गांव से घर से चला और बच्चों के साथ खेलने लगा, किसी सोहबत में दूसरे रास्ते पे भटकने लगा। अगर ये चिंता है आज उस आरटी एक्ट के पास करने के बाद हम अगर रूल्स में इसको अडॉप्ट कर रहे हैं इस निश्चित तौर से, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सरकार की नीयत, इस सरकार की मंशा यह है कि न केवल शहर, न केवल राजधानी या तहसीलों, देश के किसी भी प्राइमरी स्कूल का अगर कोई बच्चा है तो जिस तरह से दिल्ली का बच्चा पैदा हो रहा है, तैयार हो रहा है, उसी तरह से आसाम के, यूपी, बिहार के किसी गाँव का भी प्राइमरी स्कूल का बच्चा तैयार हो, यही मंशा है इस सरकार की, इस केंद्र सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज केवल ये नहीं कि हमने ये कह दिया कि नेशनल असेसमेंट सर्वे हो रहा है या लर्निंग आउटकम हो रहा है, आज देश के सभी स्कूलों को, देश के जितने 2.55 लाख स्कूल होंगे एनआईएस के हिसाब से, उसकी जीआईएस मैपिंग करा रहे हैं। जीआईएस मैपिंग होगी तो स्वाभाविक है कि उन स्कूलों की लोकेशंस मालूम होगी, उन स्कूलों में बच्चों की लोकेशंस मालूम होगी। आज जिस तरीके से हम जीपीएस की बात करते हैं, जीपीएस की मैपिंग से, लोकेशन से, चाहे आज गाड़ियों की, आज रोड की, रास्ते की जानकारी होती है, उसी तरह से भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री, हमारी सरकार आने वाले दिनों में देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के हर स्कूल की जीआईएस मैपिंग कराने जा रही। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को। और उस जीआईएस मैपिंग से निश्चित तौर से प्रगति उतनी नहीं, लेकिन फैसला हमने ले लिया, आज 2.55 लाख स्कूलों में मान लिया, 74,000 स्कूलों में हो गया। इसकी एक बात अभी आधार की बात कही, आप तो इसका स्वागत करिए कि कम से कम अगर देश के हर स्कूल के बच्चे को उसका कलेक्शन ऑफ चाइल्ड वाइज डाटा विद आधार और यूनिक आईडी नंबर के साथ हो, तो ये निश्चित तौर से तो फक्र की बात है कि जो आज अभिभावक नहीं कर सकता है, जबकि कहीं ना कहीं उसको बनाने की जिम्मेदारी है। अगर आज देश की केंद्र सरकार चिंता कर रही, मोदी जी की सरकार चिंता कर रही है कि देश के किसी भी प्राइमरी स्कूल में, अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का, उसका हर बच्चे का उसका एक डाटा होना चाहिए, उसका आधार कार्ड के साथ एक कलेक्शन जुड़ा रहना चाहिए, तो उससे निश्चित तौर से आने वाले दिनों में एक, मैं समझता हूँ, ऐसा भारत का भविष्य तैयार होगा कि हम फक्र कर सकते हैं, हम इस बात का घमंड कर सकते हैं कि हम भारत के ग्रामीण में प्रतिभाएं हैं। उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे आपने सर्विसेज के क्षेत्र में देखा होगा, विज्ञान के क्षेत्र में होगा देखा होगा, सिलिकॉन वैली में भी देखा होगा। तो आज तमाम गाँव के, आज अभी हमारे जीरो आवर में बात कर रहे थे कि आईएएस एग्जाम में स्लम बस्तियों से आ रहे हैं, तो प्रतिभा की कमी नहीं है, उन प्रतिभा को संवारने की बात, उस प्रतिभा को निखारने की बात। और अगर प्रतिभा को संवारने और निखारने की बात है तो स्वाभाविक है कि कौन निखारेगा, जब कोई ट्रेन टीचर होगा, प्रशिक्षित टीचर होगा। आज स्थिति क्या है प्रशिक्षित टीचर की, कि आज भी इस देश में जो हमारे टीचर्स हैं, टोटल 61 लाख होंगे हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, 66.41 लाख। और जब ये एक्ट आया, आरटी एक्ट, और 2015 तक का टाइम दिया गया, तो उसके आधार पे था कि जो 66.41 लाख टीचर्स देश के सभी प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में हैं वो सभी ट्रेंड हो जाएंगे। लेकिन आज भी 11 लाख टीचर अनट्रेंड हैं, और जिसमें माननीय मंत्री जी ने खुद उल्लेख किया कि अभी तक, थॉमस जी भी जानते होंगे कि जब सरकार में थे तो उनका फोकस आरटी एक्ट के पास होने के बाद भी जो गवर्नमेंट स्कूल थे, एडेड स्कूल थे, केवल सरकारी स्कूलों में और सहायता प्राप्त स्कूलों तक सीमित थे कि उसमें हम ट्रेंड करेंगे सभी टीचर्स को। आखिर ये कौन सा गुनाह है? अगर किसी गरीब या किसी भी मध्यम वर्गीय या किसी परिवार के बच्चे ने अपने बच्चे का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में नहीं कराया, या अपने किसी बच्चे का दाखिला उसने एडेड स्कूल में नहीं कराया, अनुदानित स्कूल में नहीं कराया, अगर उसने अपने बच्चे का दाखिला किसी प्राइवेट स्कूल मान्यता प्राप्त में करा लिया है, तो
तो उस प्राइवेट स्कूल का टीचर ट्रेंड है कि नहीं है, ये क्या सरकार का दायित्व तो नहीं है? मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार नेतृत्व में बनने के बाद मानव संसाधन मंत्री जी ने ये कदम उठाया है कि हम गवर्नमेंट और एडेड स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल के भी टीचर्स को ट्रेंड करने का जिम्मा लेते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि हमको आज जो हम अमेंडमेंट लेकर के आए हैं उसके पीछे ये दृष्टिकोण है, ये उद्देश्य है। और आज भी प्राइवेट सेक्टर में भी 5.98 लाख, तो 5.98 लाख आज भी प्राइवेट टीचर्स ऐसे हैं प्राइवेट स्कूल के कि जो ट्रेंड नहीं है, 5.12 लाख सरकारी सहायता प्राप्त के नहीं। तो अब अगर केवल इसलिए कि हम इस अमेंडमेंट को न करें कि हमने 15 तक टाइम दिया था उस समय सेक्शन 23(2) में कि सब 31 मार्च 2015 तक ट्रेंड हो जाएंगे, अब अगर राज्यों ने एग्जम्पशन मांगा, आपने उस समय सरकार में थे एग्जम्पशन दे दिया, फिर पुनः एग्जम्पशन दे दिया, लेकिन आज वो एक पहलू हो सकता है कि इसके बाद अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता हमें कि उनकी नौकरी तो रहे लेकिन उसके साथ भारत की आने वाली पीढ़ियां या भारत के उन स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल जो कल भारत के भविष्य हैं, जो भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी हैं, आखिर उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो, इसलिए उनको प्रशिक्षित ट्रेनिंग उनको मिले, इसलिए ये 31 मार्च 2099 तक को लेकर के आए हैं। मानवर अभी हम पहले स्पीकर हैं, थोड़ी सी बात कर दें, मैं केवल और थोड़ी बात ही करूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि जो मानवर इस बिल को अमेंडमेंट बिल है, आप आज इस महत्वपूर्ण विषय पे जब हम शिक्षा पे बात करते हैं कोई राजनीति की बात नहीं करते, हम निश्चित तौर से संपूर्ण सदन इस बात से सहमत रहता, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हमारी चिंता रहती जब हम क्षेत्र में जाते हैं किसी स्कूल में हम अपने सांसद निधि से भी पैसा क्यों देते किसी भी दल का हो, वो इसलिए कि हम समझते हैं कि इस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, इस स्कूल से बच्चा होनहार होकर निकले तो हमें प्राउड फील होता है, इसलिए हम करते हैं। और आज इसीलिए जो उस दिशा में नई शिक्षा नीति के लिए प्रभावित हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भी जो मेन फोकस है कि जो बेसिस होगा 33 नई थीम्स का बेसिस पे इन्होंने प्रचारित किया है मानव संसाधन मंत्री की नई शिक्षा नीति, जिसमें 13 थीम्स केवल उन्होंने स्कूल एजुकेशन के लिए रखा। वो कौन से महत्वपूर्ण थीम है? वो थीम कोई व्यक्तिगत नहीं है, जो नई शिक्षा नीति आएगी उसके महत्वपूर्ण थीम है कि डेवलपिंग द बेस्ट टीचर। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्या चिंता है कि पूरे देश से राय लिए जा रहे हैं, देश से सुझाव लिया जा रहा है उन तमाम लोगों से कि कैसे हम एक अच्छे बेस्ट टीचर, नॉट ट्रेंड टीचर। तो आज सरकार की ट्रेंड टीचर से आगे हमारी परिकल्पना है जिसको साकार करने जा रहे हैं मानव संसाधन मंत्री, कि हम ट्रेंड के बजाय बेस्ट टीचर हम सब दे हर स्कूल में, उसकी कल्पना हमारी नई शिक्षा नीति में। और उस नई शिक्षा नीति में जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, दूसरी बात जो ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप्स, तीसरा स्कूल का स्टैंडर्ड, चौथा स्कूल का मैनेजमेंट, मैं इस सारे विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर ये बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में दिया हो कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। और आज 1947 की आज़ादी के बाद 2017 में हम खड़े हैं और आज भी हम अपने उन विद्यालयों में ट्रेन टीचर नहीं दे पाए हैं। आज उन विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा की बात हो रही है, बुनियादी ढांचे की बात हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आखिर देश की आज़ादी के बाद चाहे जो सरकारों में रहे हैं, आखिर जिम्मेदारी किसकी थी कि आज उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी हम नहीं लागू कर पाए? आज कम से कम मौजूदा सरकार, आज मोदी जी के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्री जी लागू करने जा रहे हैं, इसके लिए संपूर्ण सदन के मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह का काम करेंगे। निश्चित तौर से एक गंभीर प्रयास होगा जो होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो 10 अप्रैल 2010 को मैं कंक्लूड कर रहा हूं, 10 अप्रैल 2010 को जो हमने आरटीआई एक्ट को लागू किया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कि उनको मुफ्त और शिक्षा अनिवार्य शिक्षा देंगे, और उसमें जो 23(2) में हमने सेक्शन में व्यवस्था भी की थी, लेकिन 2015 तक अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद अगर आज जिस तरह से पिछले दिनों इस सरकार ने फैसला किया, उत्तर प्रदेश में आज कमी है, टीचर्स की कमी है, एक तरफ सरप्लस की बात करते हैं, तो मैं एक बात और गंभीर कहना चाहता हूँ जो माननीय मंत्री जी चिंता का विषय है कि आप एक तरफ इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जैसे कुछ आंकड़े हैं कि आज भी मैं उत्तर प्रदेश में 2012-13 में अगर 152.2 लाख इनरोलमेंट था
तो वो घट रहा है 122.64, ये लगभग 19.42% डिक्लाइन हुआ। आप एक तरफ ट्रेन टीचर दे रहे हैं, एक तरफ आप सर्व शिक्षा अभियान में उनको स्कूलों को स्थित कर रहे हैं, उन तमाम मिड डे मील हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, इन सारी चीज़ों के बावजूद ये क्यों है? आज एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट यूपी के 38 जिलों में 10% है। अपर प्राइमरी स्कूल में 87% में सब्जेक्ट टीचर नहीं है जो आरटीआई के पैरामीटर पे है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ जीरो इनरोलमेंट है, तो निश्चित तौर से पिछली सरकारों ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। आज इस 3 महीने में आने के बाद आपने बैठक की, जाकर के आपके अधिकारियों ने बैठक की, निश्चित तौर से इसके परिणाम आएंगे। लेकिन आज ये कोई शिक्षा ऐसा विषय नहीं था, शिक्षा ऐसा विषय नहीं था कि इस पे, जिस जब आरटीआई एक्ट लागू किया गया उस समय 10,000 करोड़ यूपी को दिया गया कि हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल्स बनाएंगे, और 10 से 14 आ गया, कहीं मॉडल स्कूल बने नहीं। तो आखिर हम अगर एक तरफ इस सदन में आकर के हम चिंता करें, घड़ियाली आंसू बहाएं कि आज गांव के स्कूलों में स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही है, और गांव के स्कूलों की शिक्षा का गुणवत्ता या उसका स्तर नहीं ऊपर हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये चिंता कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कॉन्करेंट सूची में, शिक्षा समवर्ती सूची में, मैं बहुत बस केवल पॉइंटेड फोकस कर रहा हूं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी आज इस एक्ट को लेकर के संशोधन लेकर के आए, ये तो सर्वसम्मत से पास होगा, नई शिक्षा नीति से भी एक नए भारत का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।